शक्ल देख लो, धुआं देख लो, उससे आइडिया लग रहा होगा ठंड किस तरीके की पड़ रही है। और जबरदस्त क्राउड है और लोग जयकारे लगा रहे हैं। चढ़ाई टफ है लेकिन सहूलियतों में कोई कमी नहीं है। तीर्थ यात्रा का आनंद पैदल यात्रा में ही है। अभी तक आधा किलोमीटर चढ़े हम श्री केदारनाथ 15.50, केदारनाथ 12 किलोमीटर, करीब 5 किलोमीटर का रन और रह गया है। केदारनाथ रह गया है 4 किलोमीटर। मोबाइल से ब्लॉगिंग हो रही है। एक्चुअली गोप्रो की सारी बैटरी कम से कम 8 बैटरी है और 8 बैटरी और स्नोफॉल हो गया है स्टार्ट और हम तीनों भाई स्नोफॉल का आनंद ले रहे हैं। और हम पहुंच चुके हैं केदारनाथ मंदिर के मुख्य द्वार पर। हमारी स्थिति हो रही है ये और हम हैं अभी केदार 5 किलोमीटर बता रहे हैं यहाँ से गौरीपुर 5 किलोमीटर है, उसके बाद फिर 22 किलोमीटर की चढ़ाई है बाबा के दर्शन के लिए। पूरा 3:12, गुड मॉर्निंग, हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, सभी छोटे बड़ों को तहे दिल से राम राम और मॉर्निंग मेरा सोनप्रयाग से। जी हाँ, हम सोनप्रयाग में हैं और अब हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं अपनी बाबा केदारनाथ के दर्शन की यात्रा। तो चलिए, अभी रूम से निकल लिए हैं मैं, युधिष्ठिर भाई साहब और राहुल, क्योंकि हमको करनी है पैदल यात्रा और अजय और अजय की जिया जी करेंगे घोड़े से। तो ठीक है, अब यहाँ से निकलते हैं और अब आगे जाके देखूंगा कि कितनी बड़ी लाइन है, कहाँ तक लगी हुई है, कहाँ रजिस्ट्रेशन चेक कराना है, कैसे कैसे जाना है। तो लाइन में लगने के लिए चल दिए हैं, अब आगे जाके पता चलेगा कि लाइन कितनी लंबी है, कितनी बजे से क्या कैसे स्टार्ट हुई। से 4 सेकंड पहले लगे थे और 4 सेकंड में हम लास्ट थे और जैसे ही मैंने कैमरे का व्यू आपको दिखाया आगे पीछे के बाद पहुंच गई ना पीछे, लाइन लंबी हो गई है। आप जैसे यहाँ आते हो ना, तो यहाँ आते ही अपना रजिस्ट्रेशन स्कैन करा सकते हैं। हाँ, स्कैन कराने के बाद जो स्कैन करा देगा उसके बाद वो जाएगा। अभी हम लगे हुए हैं गाड़ी वाली लाइन में और लाइन अभी लंबी है, काफ़ी लंबी हो चुकी है लाइन। जैसे आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं लाइन बहुत लंबी है। तो अभी तो धीरे 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 सरक रहे हैं कि ब्रिज आएगा, ब्रिज के बाद फिर गाड़ियों का नंबर लगेगा। हम गाड़ी के पास आ चुके हैं, यहाँ पर लिमिट से छोड़ रहे हैं, जितनी गाड़ी में बैठ सकते हैं उतने लोगों को छोड़ेंगे और उसके बाद गाड़ी बैठी और निकल लेंगे। गाड़ी में जगह घेर ली है हमने और हमारे युधिष्ठिर भाई साहब ने। भाई साहब, एक गाड़ी में कितने लोग? 12 लोग। और क्या किराया रहता है इसका? 50 रुपये। एक गाड़ी में 12 लोग जाएंगे और 50 रुपये पर हेड किराया है। ये आपको गौरीकुंड तक छोड़ेगी। लाइट एडजस्ट कर लेना क्योंकि ब्लू कलर की लाइट है। चलिए, राहुल भाई साहब पीछे बैठे हुए थे, हमने आगे बढ़ा दिया क्योंकि आगे बैठेंगे दो ड्राइवर के अलावा। तो मैंने कहा भैया आगे आ जा, क्योंकि मैं कोना नहीं बोलता, एज ए यूट्यूबर हमें कोना चाहिए क्योंकि मैं आपको व्यू दिखाने चक्कर ही है। अच्छा, ड्राइवर साहब से बात हुई, वो 5 किलोमीटर बता रहे हैं यहाँ से गौरीपुर 5 किलोमीटर है, उसके बाद फिर 22 किलोमीटर की चढ़ाई है बाबा के दर्शन के लिए। वो आपको तय करनी है, चाहे घोड़ों से करो चाहे पैदल, जैसी आपकी श्रद्धा और आपकी भक्ति और आपका शरीर। तो
गाड़ी वाले भाई साहब ने हमको उतार दिया है और हम अब आज जा रहे हैं आगे। अब देखते हैं थोड़ी सी दूर और चलेंगे, अभी गौरीकुंड कम से कम मुश्किल से 500-700 मीटर दूर है क्योंकि बीच में ट्रक फंसा हुआ था ना इस वजह से। केदारनाथ का पैदल ट्रैक चालू हो चुका है, यहाँ से असली चढ़ाई है और पैदल ट्रैक कम से कम आपको 16 किलोमीटर करना ही पड़ेगा। तो यहाँ से जो रास्ता है 16 किलोमीटर का पैदल ट्रैक है, तब आप केदारनाथ टेंपल पहुँचोगे। तो यहाँ से चढ़ाई मेनली स्टार्ट होती है। ये था गौरीकुंड और गौरीकुंड तक आपको लेके आएगी गाड़ी। गाड़ी में 50 रुपये किराया पर हेड, 12 मेंबर लेके चलती है, तो ये ध्यान रखना। भोलेनाथ का नाम लेते हुए चढ़ाई चालू कर दी है हमने। चलिए आगे थोड़ा जल के चाय पियेंगे क्योंकि सुबह से हमने चाय वाय कुछ नहीं पी है। सुबह 2 बजे उठे थे, नहा धो के लाइन में लग गए थे। देख रहे हो ना, ये है यहाँ पे जो डोली बुकिंग वगैरह करवाते हैं ना, आप अगर डोली बैठ कर जाना चाहते हो तो ये यहाँ पे आपको फेस करना पड़ेगा। यहाँ पे रसीद कटेगी एक्चुअली गवर्नमेंट की तरफ से पुलिस सहायता की, तो यहाँ पे आपको रसीद कटवा के तब आपको डोली में बैठ के जाना है। लेकिन हमें डोली में बैठ के नहीं जाना है, हम पैदल यात्रा कर रहे हैं तो हम सीधे निकल रहे हैं। ये गौरीकुंड है जहाँ से हम जा रहे हैं। भैया रास्ता यही है ना? हाँ यही है, पूछ लिया हमने, गड़बड़ नहीं हो जाए। ये गौरीकुंड है एक्चुअली और यहाँ लोग रहते हैं, लोकल लोग काफ़ी रहते हैं, बाजार है यहाँ पे अच्छा खासा, टूरिस्ट लॉज भी है यहाँ, आप रुक भी सकते हो, ये भी बात है। गौरीकुंड में हमने ले लिया है एक टी ब्रेक और यहाँ से चाय कॉफ़ी पी के निकलते हैं। और मैं अभी पूछ रहा था यहाँ के जो चाय कॉफ़ी बना रहे हैं, तो बोले थे हम यहाँ नहीं थे 2014 में, तो पता नहीं क्योंकि हम तो पहली बार आए। पहली बार आए हो आप यहाँ पे? पहली बार आए हो कि आते रहते हो हर साल? 2017 से आ रहे हैं रेगुलर, इसको रेंट पे लिया, रेंट नहीं बता रहे हैं हम। चलो कोई बात नहीं, होगा ज़्यादा होगा ये तय, ऊपर है तो सब चीज़ महंगी है तो रेंट तो महंगा होगा ही होगा। चलिए तो अब कॉफ़ी पी के यहाँ से निकलेंगे, पहली कॉफ़ी इस दिन की आज की, और आगे चल के फिर देखते हैं आपको क्या दिखा सकता हूँ मैं और क्या इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ।